Hey everyone, namaste. Welcome you all back from the core of my heart. So without further delay, let's get it started. And in today's video, we are going to discuss about some pronunciation. Kuch pronunciation ke baare mein discuss karenge, guys. ये कॉमन वर्ड्स हैं, हम यू नो डेली रूटीन में डिस्कस करते हैं, रोज कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनको हम यू नो गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इन्हीं वर्ड्स के बारे में कुछ कॉमन वर्ड्स मैंने पिक किए हैं जिसको आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट इन टू द लिस्ट गाइज। द फर्स्ट वन इज कॉल, इसको अगर हम इस वर्ड के बारे में डिस्कस करें तो आप इसको बोलते हैं होटल, बट एग्जैक्टली जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है होटल, होटल। तो इट्स नॉट अ होटल, इट्स अ होटल। तो इसको फर्स्ट वर्ड इज कॉल, होटल की जगह आप यूज कीजिएगा होटल, और जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है होटल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, इस वर्ड को अगर हम डिस्कस करें तो ये हर किसी की लाइफ में 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिना इसके किसी का काम नहीं चलता। तो कुछ लोग इस वर्ड को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। So technology plays very vital role in everybody's life. लेकिन इसको technology, इसका जो right pronunciation है that's called technology. It's not a technology, it's a technology. तो इसका जो right pronunciation, इसको सही तरीके से अगर हम pronounce करेंगे तो इसको बोलेंगे technology. It's not a technology, it's a technology. Now moving towards next one. अगर हम इस word के बारे में बातचीत करें तो you know आप message में, WhatsApp में, कहीं पे भी you know कमेंट करते हो तो आप बोलते हैं ना मुझे कमेंट कर देना, उसने मुझे कमेंट किया है, उसने ऐसा बोला। इट इज नॉट अ कमेंट, इट्स अ कमेंट, इट्स अ कॉल कमेंट, इट्स नॉट अ कमेंट, इट्स अ कमेंट। तो यू नो कमेंट नहीं, अगर आप किसी को कमेंट कर रहे हैं तो उसको कमेंट नहीं, आप उसको सही तरीके से अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो उसको बोलेंगे कमेंट, इट्स कॉल कमेंट। नाउ ये जो वर्ड है ना, अगर इसको यू नो फ्री में आपको ये वर्ड मिल जाता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो इस वर्ड को अगर हम डिस्कस करें तो इस वर्ड को आप बोलते हैं कूपन, कूपन। इट्स नॉट अ कूपन, इट्स अ कूपन, इट्स अ कूपन, इट्स नॉट अ कूपन। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे, जो सही प्रोनाउंसिएशन उसी वर्ड के बारे में हम डिस्कस करें जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना गाइस, इनको हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो इट्स नॉट अ कूपन, इट्स अ कूपन, इट्स अ कूपन। नाउ मूविंग टू वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड, इसको बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं एक्सेट्रा। ये वर्ड यू नो कभी भी यू नो कुछ भी हम डिस्कस करने करते हैं तो वगैरह वगैरह बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सेट्रा बोलते हैं। इट्स नॉट एक्सेट्रा, इट्स अ एटसेट्रा, इट्स अ एटसेट्रा, इट्स नॉट एक्सेट्रा, इट्स अ एटसेट्रा। तो एटसेट्रा का यूज करिएगा एक्सेट्रा की जगह। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ये फ्रूट के बारे में बातचीत करें तो इस फ्रूट को यू नो इट्स वेरी हेल्दी फ्रूट एंड एवरीबडी शुड हैव इट एवरी डे। सो लाइक इस फ्रूट के बारे में बातचीत करें तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं दैट्स कॉल्ड बनाना, बनाना। बट ये बनाना नहीं, इट्स कॉल्ड बनाना, इट्स कॉल्ड बनाना, इट्स नॉट अ बनाना, इट्स अ बनाना, बनाना। यू नो एवरीबडी शुड हैव बनाना एवरी डे, सो दैट्स कॉल्ड बनाना। नाउ टॉकिंग अबाउट ये वर्ड, टॉकिंग अबाउट women, talking about girls, they are fond of this you know word jewelry, jewelry। अगर हम इस वर्ड के बारे में बातचीत करें तो लोग इसको बोलते हैं ज्वेलरी, बट इट्स नॉट अ ज्वेलरी। लाइक आई लव गोल्ड ज्वेलरी, इट्स अ ज्वेलरी, इट्स नॉट अ ज्वेलरी, इट्स अ ज्वेलरी। इसको जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, इसको जो प्रॉपर प्रोनाउंस करेंगे, इट्स अ ज्वेलरी, इट्स नॉट अ ज्वेलरी। नाउ ये आई मीन कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप इस वर्ड का यूज करेंगे, जितना ज्यादा ये यू नो पूछेंगे लोगों से इस वर्ड को, उतने ज्यादा आप में क्लैरिटी आएगी, विस्टम आएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप क्या पूछिए इस वर्ड को। तो इस वर्ड को अगर हम बातचीत करें तो कुछ बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन, बट जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट डे में, ये मेरा एक फेवरेट वर्ड है, पहले मैं भी इसको गलत तरीके से यूज करता था गाइस, तो इसलिए मुझे पता है कि उसको राइट तरीके से कैसे यू नो प्रोनाउंस करें। तो लाइक इस वर्ड को बारे में, इस वर्ड के बारे में बातचीत करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं बुधवार, लेकिन अगर इंग्लिश में हम बातचीत करें तो कुछ लोग बोलते हैं वेनस्डे, वेनस्डे, बट इट्स नॉट अ वेनस्डे, इट्स अ वेंसडे, इट्स अ वेंसडे, इट्स अ वेंसडे, इट्स अ वेंसडे, इट्स नॉट अ वेनस्डे, इट्स अ वेंसडे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, 10th वन इज कॉल्ड लॉयन। कुछ लोग लॉयन बोलते हैं, लॉयन, लॉयन मतलब क्या होता है, यू नो लाइक वाइल्ड एनिमल। So it's not a lion, it's a lion, it's a lion, it's not a lion, it's a lion।
LAHYUHEN sound jayega lion. It's not a lion. Like no lion is a wild animal. Lion is a wild animal. It's not a lion. So first one jo word tha guys usko hum kya bolenge? Hotel. Second one kya bolenge? Technology. Third one kya bolenge? Comment. Fourth one kya bolenge? Coupon. Fifth one kya bolenge? Etc. Sixth one kya bolenge? Banana. Seventh one kya bolenge? Jewelry. And now next one kya bolenge? Question. Next one क्या बोलेंगे Wednesday and last one is called lion. It's not a lion, it's a lion. So ये जो words थे ना guys इनको हम daily use करते हैं. तो मैं इन words को pick किया हूँ कि आप please इनका proper pronounce करें और इनको practice करें. क्योंकि अभी तक आप गलतियाँ करते थे नहीं पता था it's fine. लेकिन अगर मैं या कि बहुत सारी videos डली हुई हैं आप इन पे practice कर सकते हैं और इनको proper you know pronunciation का यूज कर सकते हैं बिकॉज इट प्लेज वेरी वाइटल रोल. प्रॉपर वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लैंग्वेज में, आपकी क्लैरिटी में. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मैं गाइस आपके पास आता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग लेके. तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब और कॉमेंट बॉक्स में यू नो मेंशन करिए कि कैसे मैं वीडियोस यू नो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू.